हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिनोनिम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितने स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डेस्पिरेशन। तो डेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो डेस्पिरेशन मीन्स होता है निराशा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होपलेसनेस ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डेस्पिरेशन मीन्स होता है निराशा, होपलेसनेस मीन्स भी होता है निराशा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया है डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स होता है उदासी। और ऑप्शन जो बी में दिया है जुबिलेशन, जुबिलेशन मींस होता है खुशी या फिर आनंद। और ऑप्शन जो सी में दिया है फैसिनेशन, फैसिनेशन मींस होता है जादू टोना या फिर माया या फिर इंद्रजाल। तो यहां पे इसका होपलेसनेस ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा, डेस्पिरेशन का मतलब ही निराशा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जुबिलेंट। तो जुबिलेंट मीन्स क्या होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जुबिलेंट मीन्स होता है आनंद करने वाला, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सटैटिक ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सटैटिक मीन्स होता है आनंद करने वाला या फिर मग्न करने वाला, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स होता है कि प्रतिभाशाली। ऑप्शन जो बी में दिया है प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व। और ऑप्शन जो डी में दिया है ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है उदास। तो यहाँ पे जुबिलेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटैटिक, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको लिबर्टी का सिनोनिम्स बताना है। तो लिबर्टी का सिनोनिम्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इक्वालिटी मीन्स होता है कि समानता। और ऑप्शन जो सी में दिया है चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है दान या फिर परोपकार। और ऑप्शन जो डी में दिया है डेमोक्रेसी, मीन्स होता है प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र। तो यहाँ पे लिबर्टी का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीडम, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है स्वतंत्रता। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मींस होता है छाला या फिर फफोला। तो ब्लिस्टर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ब्लिस्टर मींस होता है छाला या फिर फफोला, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। वॉन्ड ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है घाव या फिर छाला या फिर फफोला। और ऑप्शन जो ए में दिया है चैटर, चैटर मीन्स होता है कि बकवास। और ऑप्शन जो बी में दिया है ट्रेवल, मीन्स होता है यात्रा। और ऑप्शन सी में दिया है अटैक, अटैक मीन्स होता है आक्रमण। तो यहाँ पे ब्लिस्टर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वाउंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है छाला या फिर फफोला या फिर घाव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ट्रॉमा बताना है कि ट्रॉमा का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो ट्रॉमा मीन्स होता है कि सदमा या फिर जख्म। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा इमोशनल शॉक, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉमा मीन्स होता है सदमा या फिर जख्म, तो यहाँ पे इमोशनल शॉक ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि भावनात्मक झटका। और ऑप्शन जो ए में दिया है एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना। ऑप्शन बी में दिया है आर्ट फॉर्म मीन्स होता है कला से। और ऑप्शन सी में दिया है टाइप ऑफ मेडिसिन मीन्स होता है दवा के प्रकार। तो यहाँ पे ट्रॉमा का राइट ऑप्शन हो जाएगा इमोशनल शॉक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको फेबुलस का सिनोनिम्स बताना है। तो फेबुलस मीन्स होता है आश्चर्यजनक, मतलब कि अद्भुत। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मार्वेलस, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फेबुलस मीन्स होता है आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत, तो यहाँ पे मार्वेलस ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
और ऑप्शन यहाँ पे ए में जो दिया है ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, ऑप्शन जो सी में दिया है इंटरेस्टिंग मीन्स होता है दिलचस्प या फिर रोचक, और ऑप्शन जो डी में दिया है चार्मिंग मीन्स होता है सुंदर या फिर मोहक। तो यहाँ पे फेबुलस का राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्वेलस, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, लॉडेबल, लॉडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लॉडेबल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे प्रेजवर्दी, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय या फिर सराहनीय, तो यहाँ पे प्रेजवर्दी मीन्स भी होता है सराहनीय या फिर प्रशंसनीय, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार मतलब कि ऑनेस्ट, और ऑप्शन जो सी में दिया है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स होता है परोपकारी, ऑप्शन डी में दिया है वेलकम मीन्स होता है स्वागत। तो यहाँ पे लॉडेबल का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजवर्दी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा मतलब होता है प्रशंसनीय या फिर सराहनीय। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, सपास, सपास मीन्स क्या होता है आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आउट गो, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सपास मीन्स होता है कि बढ़ जाना या फिर श्रेष्ठ होना मतलब कि जाना या फिर चला जाना, तो यहाँ पे आउट गो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पास ओवर मीन्स होता है गुजर जाना, और सी ऑप्शन में जो दिया है ओवर डू, ओवर डू मीन्स होता है कि अधिक करना, और ऑप्शन जो डी में दिया है पास बाई, पास बाई मीन्स होता है कि मतलब कि किसी के पास जाना या फिर त्यागना, तो यहाँ पे इसका सपास का राइट ऑप्शन हो जाएगा आउट गो मतलब कि चला जाना या फिर जाना, बढ़ जाना या फिर श्रेष्ठ होना, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, डेफर, डेफर मीन्स क्या होता है, तो डेफर का यहाँ पे सिनोनिम्स जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो डेफर मीन्स होता है टालना या फिर स्थगित करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोस्टपोन, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनडिफरेंट मीन्स होता है कि उदासीन या फिर सामान्य, ऑप्शन जो बी में दिया है डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स होता है चतुर, और ऑप्शन जो सी में दिया है डिफर, डिफर मीन्स होता है अलग होना मतलब कि टू सेपरेट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेफर का ये पोस्टपोन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा मतलब कि स्थगित करना या फिर टालना। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, सीज, तो सीज मीन्स होता है समाप्त करना या फिर बंद करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टॉप, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिगन मीन्स होता है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना, ऑप्शन जो सी में दिया है क्रिएट, क्रिएट मीन्स होता है बनाना या फिर उत्पन्न करना, ऑप्शन जो डी में दिया है डल, डल मीन्स होता है सुस्त या फिर ढीला या फिर उदास, तो यहाँ पे सीज का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टॉप मतलब कि बंद करना या फिर जो है समाप्त करना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, पायस, तो पायस मीन्स होता है धार्मिक या फिर पवित्र, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा रिलीजियस, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन जो बी में दिया है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूति, ऑप्शन सी में दिया है अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना या फिर भयभीत, ऑप्शन डी में दिया है फेथफुल, फेथफुल मीन्स होता है वफादार या फिर ईमानदार, तो यहाँ पे इसका पायस का राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलीजियस मतलब कि धार्मिक या फिर पवित्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना या फिर परित्याग करना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोरसेक, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका भी मतलब जो है छोड़ देना या फिर परित्याग करना होता है, तो यहाँ पे अबेंडन का फोरसेक यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है कीप, कीप मीन्स होता है सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी में दिया है चेरिश, चेरिश मीन्स होता है पोषण करना, और ऑप्शन जो डी में दिया है एनलार्ज, एनलार्ज मीन्स होता है कि बड़ा करना, तो यहाँ पे एबंडन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फोरसेक, ये काफी बार मैं बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट मीन्स होता है धमकाना या फिर डराना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इंटीमिडेट मीन्स होता है धमकाना या फिर डराना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्राइटन, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काम डाउन मीन्स होता है तसल्ली देना, ऑप्शन बी में दिया है ब्यू, ब्यू मीन्स होता है देखना, ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है सी में लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना या फिर अवकाश, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटीमिडिएट का ये फ्राइटेंड, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रिस्पेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। लाइकिंग मीन्स होता है कि पसंद, ऑप्शन सी में दिया
दिया है लव मीन्स होता है प्यार, ऑप्शन डी में जो दिया है सस्पिशन, सस्पिशन मीन्स होता है संदेह, तो यहाँ पे रिगार्ड मीन्स होता है रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्वैप, स्वैप मीन्स होता है बदलना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सचेंज, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्नैप मीन्स होता है चटकाना और ऑप्शन सी में दिया है ब्रेक मीन्स तोड़ना, एक्सक्लूड मीन्स होता है निकालना, यहाँ पे स्वैप का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सचेंज। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूडेंट, प्रूडेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। प्रूडेंट मीन्स होता है चतुर या फिर विवेकी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमान, वाइज, ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है कनिंग, कनिंग मीन्स होता है शातिर या फिर चालाक, ऑप्शन जो सी में दिया है फ्रेंक मीन्स होता है स्पष्टवादी, ऑप्शन जो डी में दिया है सीवियर मीन्स होता है गंभीर या फिर कड़ा, प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकी या फिर बुद्धिमान, तो यहाँ पे वाइज ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जीनियस, जीनियस मींस होता है कि तेज दिमाग वाला, तो जीनियस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो जीनियस का जो हो जाएगा तेज दिमाग वाला, तो यहाँ पे एन इंटेलेक्चुअल ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बुद्धिजीवी, तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आज जेनरस पर्सन क्या होता है, ये होता है उदार व्यक्ति, ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है बी में आ फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स होता है एक परदेशी, ऑप्शन जो डी में दिया है एन एथलीट मीन्स होता है एक धावक, तो यहाँ पे जीनियस का राइट ऑप्शन हो जाएगा एन इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कल्मिनेशन, तो कल्मिनेशन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो कल्मिनेशन मीन्स होता है कि चरम बिंदु, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लाइमैक्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है उत्कर्ष मतलब कि चरम बिंदु, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, ऑप्शन जो सी में दिया है अबिस, अबिस मीन्स होता है कि पाताल, ऑप्शन जो डी में दिया है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स होता है कि कृषि करना या फिर खेती करना या फिर जुताई करना, तो यहाँ पे कल्मिनेशन का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लाइमेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मीन्स होता है क्या, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो स्पोरेडिक का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा इरेगुलर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है अस्थायी या फिर अनियमित, ऑप्शन यहाँ पे स्पोरेडिक का राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेगुलर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया है सर्वाइविंग, सर्वाइविंग मीन्स होता है कि उत्तरजीवी, और ऑप्शन यहाँ पे जो बी में दिया है स्वीपिंग, स्वीपिंग मीन्स होता है कि झाड़ू मारना, ऑप्शन जो डी में दिया है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स होता है जिद्दी या फिर दृढ़, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पोरेडिक का ये हो जाएगा इरेगुलर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्या होता है आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो क्रॉस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड मीन्स होता है अशुद्धिकृत, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैजुअल मीन्स होता है अनौपचारिक, और ऑप्शन बी में दिया है फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स होता है वंजर या फिर ऊसर, क्रॉस का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनरिफाइंड मतलब कि अशुद्धिकृत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अकम्पलिश, अकम्पलिश मीन्स क्या होता है, तो अकम्पलिश मीन्स होता है पूरा करना या फिर हासिल करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अचीव, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकम्पलिश मीन्स होता है पूरा करना या फिर हासिल करना, तो यहाँ पे अचीव का भी मतलब यही होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमेस मीन्स होता है क्या, अमेस मीन्स होता है एकत्रित करना, और ऑप्शन जो बी में दिया है acquire, acquire means होता है प्राप्त करना, और ऑप्शन सी में दिया है adhere means होता है पालन करना, तो accomplish का right option हो जाएगा achieve, option D correct हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कर्सरी, कर्सरी मीन्स क्या होता है आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो कर्सरी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है जल्दी या फिर तुरंत या फिर चलता हुआ मतलब कि त्वरित, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विक, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लिटिल मीन्स होता है कि
थोड़ा, और ऑप्शन सी में दिया है ईगर मीन्स होता है उत्सुक, ऑप्शन जो डी में दिया है टेंडर मीन्स होता है नाजुक। तो यहाँ पे कर्सरी का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्विक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनबीसाज्ड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इनबीसाज्ड मीन्स होता है परिकल्पित, मतलब की कल्पना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमेजिन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है इनश्योर्ड, इनश्योर्ड मीन्स होता है सुनिश्चित करना, और ऑप्शन जो बी में दिया है आइडियलाइज्ड, आइडियलाइज्ड मीन्स होता है कि आदर्श। ऑप्शन जो सी में दिया है कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड मीन्स होता है चिंतित। इनविसाइज्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, क्लैंडेस्टिन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्लैंडेस्टिन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है, ये होता है गुप्त या फिर अवैध, मतलब कि सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स होता है अजीब या फिर भद्दा। ऑप्शन जो बी में दिया है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मीन्स होता है असंगत। ऑप्शन जो डी में दिया है अगली मीन्स होता है कुरूप या फिर बुरा। क्लैंडेस्टाइन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सीक्रेट, मतलब कि गुप्त या फिर अवैध। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिजेंटमेंट मीन्स क्या होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिजेंटमेंट मीन्स होता है क्रोध, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनोयंस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिजेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, तो यहाँ पे चिड़, एनोयंस मीन्स होता है या फिर क्रोध, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिस्पैच मीन्स होता है प्रेषक या फिर मतलब भेजना, और ऑप्शन जो सी में दिया है डिसएग्रीमेंट मीन्स होता है मतभेद। ऑप्शन जो डी में दिया है डिसमिसल मीन्स होता है खारिज करना, तो यहाँ पे रिजेंटमेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा एनोयंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्ड्यूरेट मीन्स क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट मीन्स होता है पक्का या फिर जिद्दी या फिर अटल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एडेमेंट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है जिद्दी या फिर अटल। तो यहाँ पे ऑब्ड्यूरेट का राइट ऑप्शन सिनोनिम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एडेमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंग्री मीन्स होता है क्रोध या फिर गुस्सा, और ऑप्शन जो यहाँ पे बी में दिया है काम मीन्स होता है शांत, और ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है सी में ऑब्सेस्ड मीन्स होता है आशक्त। ऑब्ड्यूरेट का राइट ऑप्शन हो जाएगा एडेमेंट, मतलब कि जिद्दी या फिर अटल, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, ऑब्स्क्योर का सिनोनिम्स जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑब्स्क्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, मतलब कि अपरिचित, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अननोन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्टफुल मीन्स क्या होता है, लापरवाह, और ऑप्शन सी में दिया है ओकेजनल मीन्स होता है प्रासंगिक। ऑप्शन डी में दिया है ओल्ड, मतलब कि पुराना, तो यहाँ पे ऑब्स्क्योर का राइट ऑप्शन हो जाएगा अननोन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अस्पष्ट या फिर अपरिचित, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिलक्टेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। रिलक्टेंट मीन्स होता है असंतुष्ट, मतलब कि अनैच्छुक, ऑप्शन यहाँ पे अनविलिंग, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा अनविलिंग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है अनैच्छुक या फिर असंतुष्ट। ऑप्शन जो बी में दिया है फोगो मीन्स होता है कि छोड़ देना, और ऑप्शन सी में दिया है रिडक्टेंट मीन्स होता है अनावश्यक, और ऑप्शन जो डी में दिया है अमेंडेबल मीन्स होता है संशोधनीय। तो यहाँ पे रिलक्टेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनविलिंग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि असंतुष्ट या फिर अनिच्छुक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेवलेशन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रेवलेशन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्क्लोजर, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि उद्घाटन या फिर खुलासा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एंटीसिपेशन मीन्स क्या होता है, एंटीसिपेशन मीन्स होता है संभावना। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है बी में इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना। ऑप्शन यहाँ पे जो सी दिया है रिवील मतलब होता है प्रकट करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिवेलेशन का, ये हो जाएगा डिस्क्लोजर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज मीन्स क्या होता है? तो ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है बहिष्कृत, मतलब कि निर्वासित। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैनिश। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है सेंसर, सेंसर मीन्स होता है कि निंदा। ऑप्शन जो बी में दिया है सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है सजा या फिर दंड। और ऑप्शन जो यहाँ पे डी में दिया है बिरेट, बिरेट मीन्स होता है कि धमकाना या फिर जोर से डांटना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेसाइज का, ये हो जाएगा बैनिश। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है बहिष्कृत या फिर निर्वासित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अपोल्ड, अपोल्ड मींस क्या होता है? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अपोल्ड मींस क्या होता है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 31 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।